गुड मॉर्निंग एवरीवन। आर टुडेज टॉपिक इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। आज हम लोग कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। कंपनी क्या होती है? देखो, कहीं ना कहीं आप लोगों ने कंपनी के बारे में सुना होगा या कंपनी का नाम सुना होगा। तो ये ऐसी कोई टर्म नहीं है जो कभी सुनी नहीं हो या अननोन टर्म हो, ठीक है। कंपनी क्या होती है एक ब्रीफली बताती हूँ। तो कुछ लोग मिलकर, यानी ग्रुप ऑफ पर्सन या एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो होते हैं, वो क्या करते हैं, मिलकर कोई भी बिज़नेस एक्टिविटी को चलाना चाहते हैं। तो उस बिज़नेस एक्टिविटी को चलाने के लिए एक पर्टिकुलर चीज़ बनाते हैं, कंपनी बनाते हैं, उसको लीगल स्टेटस देते हैं, ठीक है। लीगल स्टेटस देने का मतलब उसको रजिस्टर्ड कराना, उसको एक अलग आइडेंटिटी देना। कंपनी की अपनी एक अलग पहचान होती है, अपनी एक कंपनी की अलग एक पहचान होती है, उसकी अलग एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो क्या करते हैं वो लोग मिलकर एक ऐसे लीगल स्टेटस प्रोवाइड कराते हैं अपने बिज़नेस को, जिसको हम कंपनी का नाम देते हैं। जिसके नाम से क्या होता है, उसके अंदर लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लोग इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। यानी पब्लिक जो होती है वो पैसा उसमें इन्वेस्ट करती है, जिससे कंपनी की क्या होती है, वो कैपिटल हो जाती है। और उस कैपिटल को कहीं और इन्वेस्ट करके या अपनी जो भी बिज़नेस एक्टिविटी उन्हें चलानी होती है, वो लोग वहाँ पर क्या करते हैं, अपनी एक्टिविटी चला सकते हैं उस पब्लिक की कैपिटल से, पब्लिक के पैसे से। यानी कि पब्लिक का जो फंड आया है, अमाउंट आया है, उससे वो लोग अपना बिज़नेस चला सकते हैं। इसके अंदर जो पब्लिक जो अमाउंट लगाती है, इन्वेस्ट करती है, उसे हम शेयर कैपिटल कहते हैं, शेयर्स कहते हैं, ठीक है। और कई बार हम, यानी जो कंपनी होती है वो क्या करती है, लोगों से लोन लेती है, उधार पे पैसा लेती है, जिसे हम क्या कहते हैं, डिबेंचर्स कहते हैं। ये जो दोनों टर्म्स हैं, ये हम लोग चैप्टर नंबर 6 के अंदर पढ़ेंगे, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस के अंदर। अब देखो, इसके एक डेफिनेशन आपको दी हुई है। हाँ, एक चीज़ और, ये जो कंपनी होती है ये क्या होती है, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 जो है, इसके लिए बना हुआ है, वहाँ इसको रजिस्टर कराना होता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखो आपको दी हुई है। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ प्रॉफिट हैविंग अ कैपिटल डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स, द ओनरशिप ऑफ विच इज़ कंडीशन ऑफ मेंबरशिप। इसका सिंपल मीनिंग क्या है, कुछ लोग, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी एसोसिएशन होती है जो लोग प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। क्या करते हैं, लोग एक साथ अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करते हैं, और जो भी उस पैसे से, मतलब जो भी बिज़नेस एक्टिविटी कैरी ऑन की जाती है, जो भी बिज़नेस एक्टिविटीज़ में चलाई जाती है, उसके बाद में उससे जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है, जो भी प्रॉफिट मिलता है, वो क्या किया जाता है, जितने शेयर होल्डर्स हैं, यानी कि जितने लोगों ने शेयर लिया है कंपनी का या कैपिटल दिया है कंपनी को, कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है, उन सबको क्या करते हैं, डिविडेंड के तौर पे वो प्रॉफिट बांट देते हैं। मतलब डिविडेंड क्या होता है, जो प्रॉफिट आया उसको शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर देना, उसे हम डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। जितना भी प्रॉफिट है उसे डिवाइड कर देना शेयर होल्डर्स के बीच में। अब शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। अब कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, यानी कि कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, अपना जो पैसा है, एक्सेस अमाउंट या सरप्लस अमाउंट जो उनके पास होता है, वो क्या करते हैं, कंपनी के शेयर्स खरीद के उन्हें उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। तो वो शेयर्स कंपनी इशू करती है, इशू करने का मतलब सेल करती है। कंपनी इशू लेकर आएगी, यानी शेयर्स का इशू लेकर आएगी, कंपनी सेल करेगी शेयर्स, और पब्लिक जो होगी उन शेयर्स को खरीद लेगी, ठीक है। खरीद लेगी तो वो पैसा देगी कंपनी को, तो वही पैसा कंपनी के लिए कैपिटल का काम करता है, शेयर कैपिटल का काम करता है, ठीक है। तो ये थी इसकी डेफिनेशन, ये थी जॉइंट स्टॉक कंपनी। कंपनी क्या होती है, जो कंपनी रजिस्टर्ड होती है कंपनीज एक्ट के अंदर, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 अभी है, कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है, या इस कंपनीज एक्ट 2013 में, या किसी भी और कंपनीज एक्ट, मतलब अब तक जितने भी प्रीवियस कंपनी लॉ बने हुए थे, कोई भी कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है, ठीक है। कंपनी एक्ट 2013 बना हुआ है। इसके फीचर्स क्या होते हैं, देखो, सबसे पहला फीचर, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है ये कंपनी। कंपनी जो होती है इसकी अलग आइडेंटिटी होती है, अलग पहचान होती है। अब एक ह्यूमन बीइंग जैसा है ना, वैसे ही इसको एक आइडेंटिटी मिली हुई होती है लॉ के अंदर, ठीक है। एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो कि लॉ के द्वारा बनाई हुई होती है, क्रिएटेड बाय लॉ, ठीक है। इसके नाम पर प्रॉपर्टीज़ ले, इसकी खुद की जो प्रॉपर्टी है, यानी कि ये जो कंपनी है, ये अपने खुद के नाम से प्रॉपर्टीज़ सेल भी कर सकती है, डेट्स भी ले सकती है, मनी भी बोरो कर सकती है, या जितने भी काम कंपनी करती है वो अपने खुद के नाम से
नहीं करती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि उसके उसको चलाने वाले जो लोग हैं उनका नाम वहाँ पे आएगा कि इस पर्टिकुलर इंसान ने पैसा बोरो किया है। ऐसा माना जाएगा कि इस पर्टिकुलर कंपनी ने पैसा बोरो किया है, या ये जो ऑपरेशन हुआ है ये या जो ट्रांजेक्शन हुआ है ये इस पर्टिकुलर कंपनी ने किया है, ठीक है। तो इसकी अपनी एक अलग पहचान होती है। इट बस ऐसा है कि एक नेचुरल पर्सन नहीं है तो ये इट कान ड्रिंक, इट कैन ड्रिंक, वॉक, रन, ईट एंड सो ऑन। ऐसा नहीं है कि ये खा पी सकती है, चल सकती है, लेकिन स्टिल इसकी एक एक पहचान है, इसलिए ये आर्टिफिशियल पर्सन होती है। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब वही सेम चीज़ कि अपने मेंबर्स से अलग इनकी आइडेंटिटी होती है, अलग इसकी पहचान होती है। इसके मेंबर्स अलग होंगे और ये अलग होगी। इन दोनों का कोई ऐसा नहीं है कि मतलब जो मेंबर्स के नाम से ये जानी जाएगी या इसके नाम से इसके मेंबर्स जाने जाएंगे। तो क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, अपने मेंबर्स से इसकी अलग पहचान होती है, अपना अब खुद के नाम से ये रजिस्ट्रेशन कराती है। इसमें आपको एक प्रिंसिपल बताया हुआ है, सेपरेट लीगल एंटिटी वॉज फॉर्म्ड इन द केस ऑफ सोलोमन वर्सेज सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। ये एक केस था सोलोमन वर्सेज सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड का। इस केस के अंदर आपको बहुत डिटेल में नहीं बताती, ब्रीफली बता देती हूँ। इस केस के अंदर क्या था, सोलोमन एक कंपनी चला रहा था, मतलब एक पर्सन था जिसके अंदर क्या था, ये अपनी इसकी खुद की कंपनी थी, इसके कंपनी का नाम था सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो क्या हुआ, केस ऐसा हुआ कि इसने कहीं से पैसे बोरो किए थे, तो लोगों ने इसके ऊपर नाम लगाया, मतलब इससे रीपे करने के लिए बोला। जब टाइम ख़त्म हो गया तो क्या हुआ, इससे मांगा गया कि आप पे करो क्योंकि आपने हमसे पैसा लिया था, और क्या था कि आपको पे करना पड़ेगा, अगर आप पे नहीं करते हो तो क्या होगा, आपके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग्स चलाई जाएगी। तो उस केस में, उस पर्टिकुलर केस के अंदर ये प्रिंसिपल आया था कि पैसा कंपनी के नाम से लिया गया है, अब कंपनी के पास देने को पैसा नहीं है तो ये पर्टिकुलर इंसान यानी जो डायरेक्टर है उस कंपनी का, वो लायबल नहीं होगा पैसा देने के लिए। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जो कि अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेप्शंस है भाई, ऐसे तो फिर कोई भी काम करता रहेगा, अपने कंपनी के नाम से पैसे बोरो करता रहेगा, और कल को अगर कंपनी नहीं दे पाता, मतलब वो पैसा नहीं दे पाता है, तो नाम कंपनी का लगा देगा, क्योंकि कंपनी को तो वो कर नहीं सकते ना, जेल वेल में तो भेज नहीं सकते। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसके लिए एक एक्सेप्शन केस होता है, मतलब पियर्सिंग ऑफ वेल, मतलब पर्दा हटा देना, कंपनी और कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उन दोनों के बीच से पर्दा हटा के फिर उसके मेंबर्स को लायबल बताना। वो कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जब जानबूझकर फ्रॉड किया जाता है उस केस में, पर यहाँ पर जानबूझ के कोई फ्रॉड नहीं किया गया था। ऐसा था कि वो नहीं चुका पाया क्योंकि कुछ रीजंस थे, कंपनी ने अच्छा रेवेन्यू जनरेट नहीं किया, तो उस केस में ये प्रिंसिपल बना था कि कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसको उसके मेंबर्स से डिस्टिंक्ट माना जाएगा। देन परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन मतलब ये कभी नहीं ख़त्म होती, कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस रहती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कल को इसके मेंबर्स मर गए या कुछ ऐसा हुआ तो क्या होगा, कंपनी भी ख़त्म हो जाएगी, नहीं, इसका परपेचुअल सक्सेशन है, कंपनी कभी नहीं ख़त्म होती, हमेशा चलती रहती, कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस है, अनटिल एंड अनलेस इसका डिसोल्यूशन नहीं कराया जाता या वाइंडिंग अप नहीं होता है, ठीक है, तब तक कंपनी का पहचान बनी रहेगी, अब कंपनी बनी रहेगी। नेक्स्ट है फॉर्मेशन। अब देखो फॉर्मेट कैसे होती है, कंपनी के अंदर थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, ठीक है, कॉस्टली प्रोसेस होती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करी जाती है। अब पब्लिक कंपनी बन रही है तो बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ उसके अंदर की जाएगी, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, बहुत सारे सबमिशंस कराने पड़ेंगे रजिस्ट्रार के पास में, जो कंपनीज को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ होता है उसके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे। तो क्या होती है, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होने के कारण इसमें क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है और कॉस्टली प्रोसेस होती है। अब सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, इसके ओनर्स अलग होते हैं और मैनेजमेंट इसका करने वाले लोग अलग होते हैं, मैनेजर्स अलग होते हैं, ओनर्स अलग होते हैं। ओनर्स कौन होते हैं, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, यानी जिन्होंने कंपनी में शेयर खरीदा है, कंपनी को पैसा दिया है काम करने के लिए, वो इसके ओनर्स माने जाते हैं। लेकिन उसको मैनेज करने वाला, अब जितने लोगों ने शेयर्स खरीदे हैं, हो सकता है ना इंडिया में कितनी सारी जगह से होंगे वो लोग, लेकिन वो सब लोग तो आके काम करने से रहे यहाँ पर, तो ओनर्स अलग होंगे, वो सब लोग मिलकर क्या करेंगे, कुछ लोग ऐसे मतलब डायरेक्टर्स जिनको क्या कहते हैं हम बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कमेटी बना देंगे, मतलब अपने अपने शेयर होल्डर्स वोट देकर कि कौन कौन मेंबर होना चाहिए, डायरेक्टर होना चाहिए, क्या करते हैं डायरेक्टर्स की कमेटी बना देंगे, और फिर वो जो डायरेक्टर्स होंगे वो कंपनी के मैनेजमेंट बोला जाएगा, कंपनी की जो डे टू डे एक्टिविटी होती है, डे टू डे मैनेजमेंट है, वो लोग उसको क्या करेंगे, संभालेंगे, ठीक है। लायबिलिटी,
इसमें क्या होता है, कंपनी मतलब जो शेयर होल्डर्स वगैरह होते हैं उनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी है। जितने लोग क्या कर रहे हैं, लायबिलिटी सिर्फ उस अमाउंट तक, उस एक्सटेंट तक रहेगी जितना पैसा अनपेड है। देखो शेयर होल्डर था, शेयर होल्डर ने क्या किया, 3000 शेयर्स खरीदे, इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, वही एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। 3000 शेयर्स कंपनी के खरीदे, जिनकी जो एक शेयर की प्राइस थी 10 रुपीज़, ठीक है, 10 रुपीज़ पर शेयर था। 3000 शेयर खरीद के उसने 8 रुपीज़ पर शेयर उसने पे कर दिया, ठीक है, 8 रुपीज़ अभी उसने पे कर दिया, अभी उसको 2 रुपीज़ और करने हैं, राइट। अनपेड कितने हैं, 2 रुपये उसके अभी अनपेड है। तो कल को अगर कंपनी के वो पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, मतलब डेट्स वगैरह चुकाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, तो कंपनी शेयर होल्डर को जाके ये नहीं कहेगी कि तुम 10 रुपये हर शेयर के और दो, वो क्या कहेगी, जितना आपने अभी तक नहीं पे किया है उतने रुपये उससे कॉल करेगी, ठीक है, उतने रुपये उससे मांगेगी, डिमांड करेगी। तो 2 रुपये यानी 3000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय 2 रुपये, 3000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 2 रुपीज़ जो कि अनपेड थे, उतने ही रुपए देने के लिए एक शेयर होल्डर लाइबल होगा, ठीक है। तो उसकी लाइबिलिटी कितनी रहेगी, सिर्फ उतने ही अमाउंट की रहेगी जितने रुपए उसने अभी तक पे नहीं किए हैं। अगर उसने पूरे पे कर दिए हैं तो उसकी लाइबिलिटी वहीं पे ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है कॉमन सील। कॉमन सील किसको कहते हैं, नाम देखो कॉमन सील क्या है, ये होता है कि कंपनी, अब जैसे कंपनी को हमने पर्सन बताया है, तो हर एक पर्टिकुलर इंसान जो होता है जब उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स जा रहे होते हैं तो आपको पता है हर एक को साइन करना पड़ता है, राइट। वैसे ही कंपनी को भी तो अपने जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको साइन करना पड़ेगा। तो अब कंपनी पर्सन तो बोल दिया कि आर्टिफिशियल पर्सन है, बट एक्चुअल में क्या वो साइन कर सकती है, नहीं। लॉ की नज़र में कंपनी जो होती है एक पर्सन तो है, बट वो साइन नहीं कर सकती क्योंकि वो एक्चुअल में नेचुरल पर्सन नहीं है, ह्यूमन नहीं है, ठीक है। तो उसको अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स को साइन करना पड़ेगा, तो इसको हम कॉमन सील बोलते हैं। कंपनी की जो एक साइन करती है कंपनी, उसको कॉमन सील बोलते हैं, ठीक है। एक सील होती है, जैसे स्कूल के अंदर सील लगती है ना, साइन होते हैं ना प्रिंसिपल मैम के या प्रिंसिपल सर जो भी होते हैं प्रिंसिपल के, या किसी भी जो अथॉरिटी, हायर अथॉरिटीज़ होती है जिस पे साइन की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे जो अथॉरिटीज़ एक एक आपके उस पे शीट पे या आपके डॉक्यूमेंट पे साइन तो की करते नहीं है ना, वो सील लगाते हैं, स्टैंप लगाते हैं, उसी तरह से ये कंपनी का स्टैंप होता है, सील होती है, जिसको हम कॉमन सील बोलते हैं। रिस्क बेयरिंग, देखो बाकी के हमने देखे थे जो और फॉर्म्स थी, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हमने इनमें देखा था, तो इसमें रिस्क कौन बेयर करता, सोल प्रोप्राइटरशिप में तो अकेला इंसान है, उसको ही करना पड़ेगा सारा रिस्क बेयर। लेकिन पार्टनरशिप है उसमें दो से ज़्यादा, जितने लिमिटेड पार्टनर्स है वो सब शेयर करेंगे रिस्क। लेकिन कंपनी के अंदर बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं ना, ऐसा नहीं है 1, 2, 3, 4 ही होंगे, काफ़ी सारे होते हैं इसके अंदर शेयर होल्डर्स, तो वो सबके सब मिलकर क्या करते हैं, रिस्क बेयर करते हैं। तो यहाँ पर जो एक पर्टिकुलर इंसान के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब फीचर्स हमने पढ़े हैं, उसी से मेरिट्स और डीमेरिट्स बनती है। फर्स्ट है हमारा लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी वाला सेम है कि जितना एक्सटेंट उसका अनपेड है, मतलब उसके शेयर का जितना अमाउंट अभी तक अनपेड है, सिर्फ उसी के लिए वो लायबल होगा कि उसको जब भी डेट वगैरह पे ऑफ करने हैं कंपनी को, तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे नहीं जाएंगे, बल्कि जितना उसने अभी तक चुकाया नहीं है, यानी जितना पैसा अभी तक उसने दिया नहीं है अपने शेयर का, उसी पैसे को उससे डिमांड किया जाएगा, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, अब आप देखते हो कंपनी के, मतलब जो हमारे बड़े होते हैं वो क्या करते हैं, शेयर्स वगैरह में ट्रेडिंग करते रहते हैं, शेयर खरीदा आगे सेल कर दिया, राइट। तो क्या होता है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, मतलब शेयर अगर आपने जो शेयर होल्डर्स है, मतलब जो जो इंसान कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, अगर उसको कल को पैसा वापस चाहिए कि भाई अब मेरे को पैसे की ज़रूरत है, मैंने इसके अंदर इन्वेस्ट किया था, अब मुझे वापस चाहिए, तो क्या वो पैसा वापस कंपनी से डिमांड कर सकता है? नहीं, वो कंपनी से पैसा डिमांड नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार जब उन्होंने शेयर खरीद लिया, पैसा दे दिया, तो वो पैसा उन्हें इक्विटी शेयर्स को कभी वापस नहीं मिलता है, या प्रेफरेंस शेयर्स को भी वापस नहीं मिलता है। इस केस में वो क्या करेंगे, अपनी लिक्विडिटी नीड्स पूरी करने के लिए, लिक्विडिटी नीड्स मतलब पैसे की कमी जो उनको हो रही है, जो पैसे की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए क्या करेंगे, किसी और को अपना शेयर बेच देंगे। तो क्या यहाँ क्या होता है, यहाँ पे इंटरेस्ट ट्रांसफ़र हो गया, मतलब एक पर्सन के पास जो शेयर था अब उसने दूसरे इंसान को बेच दिया और पैसा ले लिया, और अब वो वहाँ से फ्री हो गया, शेयर होल्डर नहीं रहा। तो इसमें क्या होता है, अपनी लिक्विडिटी नीड्स पूरी करने के लिए क्या करते हैं, ओपन मार्केट में यानी स्टॉक एक्सचेंज पर क्या करते हैं, शेयर को बेच देते हैं, ठीक है।
देन परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल एग्जिस्टेंस या परपेचुअल सक्सेशन वही कि उसकी मेंबर्स अगर कल को इनकेपेबल होते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर पाने में, तो ऐसा नहीं होता है कि कंपनी को भी इनकेपेबल माना जाएगा या कंपनी भी बंद हो जाएगी। इस केस में क्या होगा, कंपनी की को की एग्जिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कंपनी हमेशा सर्वाइव मतलब करती रहेगी और हमेशा एग्जिस्टेंस में रहेगी। स्कोप फॉर एक्सपेंशन, देखो अब हमने देखा सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप फर्म है, उनको बहुत पैसे की रिक्वायरमेंट होती है या लोन्स वगैरह जो होते हैं वो सब इजीली उन्हें नहीं मिलते हैं। सोल प्रोप्राइटर है, उसके पास लिमिटेड सोर्स ऑफ अमाउंट इनकम है, तो उसको उसी के अकॉर्डिंग वो मिलेगा, लोन वगैरह मिलेगा या पैसे उतना ही लगेगा। यहाँ पे उनके पास में जो कंपनी है उनके पास में इतनी कैपिटल आ रही है, प्लस वो अगर लोन लेना चाहती है कंपनी अपने नाम पे, वो लोन भी ले सकती है, तो उसको अच्छा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स वगैरह से अच्छे अमाउंट में लोन मिल जाएगा, या फिर उसको शेयर्स वगैरह इशू करेगी और तो पब्लिक से इतना पैसा मिल जाएगा कि अगर वो अपने आप को एक्सपेंड करना चाहती है तो वो अपना एक्सपेंशन कर सकती है, अपना और स्कोप बढ़ा सकती है। ठीक है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, अब देखो कंपनी है, कंपनी में बहुत सारे पैसे भी आ रहे हैं, शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर से इतने पैसे मिल रहे हैं, डिबेंचर होल्डर से डेट्स वो ले सकती है, तो क्या होता है कंपनी के पास पैसे की कहीं ऐसी कमी नहीं आएगी कि उसको सोचना पड़े कि पैसे अगर इन्वेस्ट कर रही है तो कहाँ पे करे। तो वो क्या करती है, अपने ईजीली क्या कर सकती है, प्रोफेशनल मैनेजर्स को हायर कर सकती है, मतलब जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना उनको हायर कर सकती है, अपने जो जो भी उनको स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए होते कहीं पर भी, तो उस चीज़ के लिए स्पेशलाइज पीपल को वो क्या कर सकती है, हायर कर सकती है, उन्हें रेम्यूनरेशन वगैरह देके, मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन देकर उनको बुला सकती है। देन क्या होता है, लिमिटेशंस क्या होती है, अब वैसे ही फीचर्स में हमने कुछ लिमिटेशंस भी देखी थी, उसी से ही यहाँ पे लिमिटेशंस बनी हुई है। देखो कॉम्प्लेक्सिटी इन्फॉर्मेशन, हमने देखा था कि बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है, बहुत सारे इनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह भरने पड़ते हैं, बहुत सारे रजिस्ट्रार को उनको परमिशंस वगैरह लेनी पड़ती है काफ़ी सारी चीज़ों के लिए, तो क्या होती है जितने ज़्यादा ये सारी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगी इसको पूरा करने की, उतना ही ज़्यादा क्या होगा कॉम्प्लेक्सिटी होगी फॉर्मेशन में, मतलब जितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसेस होती है किसी चीज़ को करने की उतना ही ज़्यादा वो क्या होता है काम बनने में कॉम्प्लेक्सिटी आती है। ठीक है, तो बहुत इजी फॉर्मेशन नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, काफ़ी मुश्किल और काफ़ी लेंदी प्रोसेस इसको फॉर्मेट करने की होती है। लैक ऑफ सीक्रेसी, अब कंपनी पब्लिक से पैसा ले रही है राइट, तो पब्लिक से अगर पैसा ले रही है तो पब्लिक भी तो आँख बंद करके नहीं देगी पैसा, उनको भी तो पता होना चाहिए कि वो कौन सी जगह इन्वेस्ट कर रही है, तो कंपनी को बहुत सारे ऐसे डिस्क्लोजर्स करने पड़ते हैं पब्लिक के सामने कि हम जो पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं वो कहाँ करेंगे, तो एक तरह से पब्लिक के साथ ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ती है, ट्रांसपेरेंट रखना पड़ता है अपना रिलेशन कि भाई पब्लिक अगर पैसा दे रही है तो उन्हें हर चीज़ के बारे में पता होता है, तो वो बहुत सारे डिस्क्लोजर्स करती है, रजिस्ट्रार के सामने करती है अपने कंपनी क्या कहाँ क्या ऑपरेशंस कर रही है उसके बारे में, हर चीज़ के बारे में क्या होता है डिस्क्लोजर्स करने पड़ते हैं, तो सीक्रेसी इतनी ज़्यादा नहीं रहती, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है ज़्यादा। ठीक है, इम्पर्सनल वर्किंग एनवायरनमेंट, देखो ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग है, अब दोनों अलग अलग है तो क्या होता है इतना पर्सनली सबसे इंटरेक्शन हो नहीं पाता है, साल में एक बार मीटिंग हो गई, एनुअल जनरल मीटिंग हो गई या फिर कुछ काम है तो जनरल मीटिंग्स हो गई शेयर होल्डर्स की, तो मतलब जो लोग इतने बार साल में एक बार दो बार मिल रहे हैं तो इतना पर्सनल टच नहीं रहता है, एक पर्टिकुलर बिजनेस में जहाँ पे पर्सनल वर्किंग एनवायरनमेंट है एक तरह से सब एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में है टच में है तो वो ईजिली काम कर पाते हैं, यहाँ एक दूसरे से एकदम टच में नहीं है, मैनेजमेंट अलग ही है ओनर्स अलग ही है, तो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाता है सबका एक दूसरे के साथ में। ठीक, और उसी तरह से जो मैनेजर्स है जो मैनेजमेंट है उनका एम्प्लॉयज़ कस्टमर्स और इन सब के साथ में क्या है पर्सनली अटैचमेंट या कनेक्शन हो नहीं पाता है। देन न्यूमेरस रेगुलेशंस, न्यूमेरस रेगुलेशंस में क्या है, देखो कंपनी है, कंपनी क्योंकि इतनी लीगली मतलब फॉर्मेशन में इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन था, वैसे ही पब्लिक से अगर पैसा ले रही है तो क्या होता है इसके ऊपर बहुत सारे रेगुलेशंस अप्लाई होती है, अप्लीकेबल होती है, मतलब कंपनी के ऊपर बहुत सारी जो लीगल रेगुलेशंस होती है लॉज बने हुए होते हैं अलग अलग, वो सबके सब क्या होते हैं एप्लीकेबल होते हैं, इनको सबका कंप्लाइंस करना पड़ता है। ठीक है, मतलब सबको फॉलो करना पड़ता है, लाइक ऑडिटिंग का, टैक्सेशन का, वोटिंग, फाइलिंग ऑफ रिपोर्ट्स, प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एट्सेट्रा,
तो बहुत सारे लॉज एंड रेगुलेशंस बने हुए कंपनीज एक्ट के अंदर ही, तो एक पर्टिकुलर एक्ट के अंदर इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि वो सब कुछ इसको फॉलो करना पड़ता है। वैसे ही कंपनी के ऊपर बहुत सारे लॉज भी अलग अलग जो है, बहुत सारे एक्ट्स अलग अलग है, वो सब भी फॉलो होते हैं, कंप्लाई करने पड़ते हैं, ठीक है, अप्लीकेबल होते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे क्या है, इतने सारे जो रेगुलेशंस बनी हुई है वो सारी की सारी इसको फॉलो करनी पड़ती है, कंप्लाइंस करना पड़ता है। तो उन सब की कंप्लाइंस के लिए इसको अलग से कंपनी सेक्रेटरी हायर करना पड़ेगा, ऑडिटिंग के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, टैक्सेशन की है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सब में अपना टाइम, एफर्ट्स एंड मनी, ये सब कुछ लगेगा, ठीक है। डिले इन डिसीजन मेकिंग, जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ पे कोई भी डिसीजन लेना होता है तो क्या होता है, सबका वोट इक्वली मतलब एक होता है कि सबका वोट लेना कंपलसरी होता है, सबकी जो कंसेंट होती है वो लेनी ज़रूरी होती है। तो उस कंसेंट को लेने के लिए क्या होता है, मीटिंग्स बुलाई जाती है, जनरल मीटिंग हो गई, जनरल मीटिंग या एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, अलग अलग तरह की जनरल मीटिंग्स होती है, ठीक है। जनरल मीटिंग में सारे के सारे शेयर होल्डर्स इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, और वो मिलके क्या करते हैं, अपना अपना वोट कास्ट करते हैं, ठीक है। मतलब जिसका जो वोट बनता है वो वोट देगा। तो क्या होता है, जब वोट मिलेगा उसके बाद में ही क्या होगा, डिसीज़न लिया जाएगा। तो उसको मीटिंग को बुलाना, मीटिंग कंडक्ट करना, उसके बाद में उसकी बहुत लेंदी प्रोसीजर होती है, उसके बाद डिसीज़न लिया जाता है। तो क्या होता है, डिसीज़न मेकिंग काफ़ी डिले हो जाती है, मतलब क्विक डिसीज़न मेकिंग नहीं हो पाती है। देन है ओलिगार्किक मैनेजमेंट और मैनेजमेंट बाय फ्यू, मतलब मैनेजमेंट जो होता है वो कुछ ही लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग हैं तो सभी कर रहे हैं। देखो हमने देखा कि इतने सारे लोग, मैनेजमेंट और ओनरशिप अलग अलग होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टर्स जो होते हैं नाम से या अपने पेपर्स के अंदर तो क्या है, रजिस्टर्ड है कि हाँ ये एक डायरेक्टर है कंपनी का, इसका ये काम है, ये करता है, लेकिन एक्चुअली में जो होता है ना, प्रैक्टिस में जो सच्ची में जो काम कर रहे हैं वो बहुत सारे लोग नहीं होते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जो क्या करते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं, बिजनेस को चला रहे होते हैं या ऑपरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं, डायरेक्टर्स में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग होते हैं, ठीक है। डायरेक्टर्स में भी कुछ लोग होते हैं जो काम करने वाले होते हैं, जो लोग जिनको ज़्यादा पावर मिली हुई होती है कि हाँ आप ये काम करो, या फिर वो लोग वो काम करते हैं, ठीक है। तो जिनका पर्सनल इंटरेस्ट है या जिसने ज़्यादा मतलब पर्सनली किसी उस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व है कि हाँ मुझे इस कंपनी को अच्छे से चलाना है, वही लोग उसमें क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं या काम कर रहे होते हैं वहाँ पे, ठीक है। देन कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इंटरेस्ट, देखो अब जितने ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। अब स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, वेरियस स्टेक होल्डर्स के अंदर आ जाते हैं जितने भी लोग कंपनी से किसी भी तरह से कनेक्टेड है, लाइक किसी का कोई भी इंटरेस्ट कंपनी के अंदर है, उन सभी को हम मिलाकर स्टेक होल्डर्स कहते हैं। शेयर होल्डर्स तो सिर्फ वो होते हैं जिन्होंने शेयर खरीदा हुआ होता है, स्टेक होल्डर्स हमारे एम्प्लॉयज़ हो गए, हमारे सप्लायर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए हमारे, गवर्नमेंट भी इसमें आ जाती है, किसी का भी किसी भी तरीके से स्टेक होता है कंपनी के अंदर तो क्या होता है, वो स्टेक होल्डर कहलाता है। तो सारे स्टेक होल्डर्स का अलग अलग कोई ना कोई रोल होता है, तो उन सभी को पूरा कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक हार्ड वर्क काम हो जाता है ये। तो देखो एम्प्लॉयज़ ज़्यादा सैलरीज मांग रहे होंगे, वहीं कंज्यूमर्स अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स मांग रहे होंगे, ठीक है। शेयर होल्डर्स चाहेंगे कि उन्हें हायर रिटर्न मिले, यानी डिविडेंड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो ये सब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बहुत सारे अलग अलग सबकी अलग अलग डिमांड्स है, सबके अलग अलग जो स्टेक है सबका अलग अलग, तो वो सब कुछ मिलाकर क्या होता है, बहुत ही मतलब डाइवर्स हो जाते हैं डिमांड सबकी। तो क्या होता है उस टाइम पे, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट अराइज होते हैं। कल हम लोग टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में देखेंगे, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के बारे में।